हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं टेक के पॉइंट। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे आप वैक्सीनेशन लगवाते हैं, फिर आप उसका कैसे सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे, वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। दरअसल आपने पहला डोज लगवा लिया और आपने दूसरा भी डोज लगा लिया, बट आपने अभी तक अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं किया, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे बड़ी सिंपल तरीके से आप अपना फर्स्ट और सेकेंड दोनों कैसे सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल की मदद से। आप वो कैसे कर पाएंगे, जब आपने अपने वैक्सीन लगाई होगी तब आपने एक मोबाइल नंबर वहाँ पर रजिस्टर्ड कराया होगा, तो वो मोबाइल नंबर आपके पास होना आवश्यक है, तो आप खुद अपने मोबाइल से वैक्सीन का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वो आप कैसे करेंगे वो जल्दी से देखते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और घंटी के ऑल वाले आइकन पर सेलेक्ट कर दें, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। आपको अगर हमारी वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, आप पे एक लाइक से मैं काफ़ी मोटिवेट हूँ और आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाता रहूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सिंपली आपने किसी एक ब्राउजर पे आ जाना, तो यहाँ पर मैंने गूगल को ओपन कर लिया। तो यहाँ पर आपने सर्च करना है COVID-19 सर्टिफिकेट, तो सिंपली आपने इसको सर्च कर दिया। सेकेंड नंबर की जो ऑफिशियल उसकी वेबसाइट है, सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इसको क्लिक कर दें तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखेगा रजिस्टर्ड एंड साइन इन, तो सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दें फिर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। आपने यहाँ पर एंटर करना है अपना मोबाइल नंबर, जो आपने जब वैक्सीन लगवाई थी जब आपने वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराया, तो सिंपली आप उसको अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपने गैजेट OTP पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे फिर आपके उस नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP आपने जल्दी से यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर वो OTP आप जल्दी से डाल दीजिए जो भी आपके फ़ोन पर आया हो। और यहाँ से वेरीफाई प्रोसेस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप अपने जो भी वैक्सीन लगवाई थी उसकी यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं। आपका यहाँ पर नाम शो होने लगेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ शो होने लगेगी और आपके जो आधार कार्ड का 4 डिजिट लास्ट में वो भी यहाँ शो होने लगेगा। बट आप अपना सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करेंगे, उसके लिए आपको आपने फर्स्ट डोज भी लगवा लिया, सेकंड डोज भी आपका कंप्लीट होगा, बट आप सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट का नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया। तो ये देखिए आपका सर्टिफिकेट मेरा डाउनलोड हो गया और यहाँ से मैं इसको डाउनलोड पर क्लिक कर दूँगा। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर को मैं देखूँगा तो यहाँ पर सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया, तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये मेरा आप यहाँ पर सर्टिफिकेट देख सकते हैं, मेरा डाउनलोड हो गया है। फिर अब इस सर्टिफिकेट को मैं किसी साइबर कैफे पर जाकर निकलवा के कहीं पर भी ट्रैवल कर सकता हूँ कि मैंने अपने दोनों डोज लगवा लिए, तो मैं कहीं पर भी अगर इसकी ज़रूरत पड़ती तो मैं उसको आसानी से अपने फ़ोन में या कहीं साइबर कैफे से निकलवा के उसको दिखा सकता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपना वैक्सीनेशन वाला सर्टिफिकेट इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आए हमारी वीडियो लाइक करें, हम आपके लिए ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लाते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।